ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। अगली खबर खंडवा से, जहां शनिवार को आयुक्त कोष लेखा एवं वित्त सचिव ज्ञानेश्वर बी पाटिल पहुंचे और कोषालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। नए सॉफ्टवेयर की जानकारी भी अधिकारियों को दी गई। मध्य प्रदेश के आयुक्त कोष लेखा एवं वित्त सचिव ज्ञानेश्वर बी पाटिल शनिवार को दलबल के साथ शासकीय दौरे पर खंडवा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कोषालय की बारीकी से निरीक्षण किया और एक एक कर कोषालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा की और अधिकारियों को नए नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर की जानकारी दी। यह सॉफ्टवेयर पेपरलेस, फेसलेस और कॉन्टेक्ट लेस होगा, जिसमें पता चलेगा पेमेंट कौन कर रहा है। साथ ही इसमें हर शासकीय सेवक, पेंशनर, वेंडर और ठेकेदारों के बिल का ऑनलाइन स्टेटस देखा जा सकेगा, बल्कि यूजर स्वयं भी अपने बिल अपलोड कर सकेगा। बिल के पेमेंट का भुगतान अब किसी एक कोषालय के अधिकारियों के हाथ में नहीं रहेगा। इस सॉफ्टवेयर से तुरंत भुगतान तो होगा ही, साथ ही भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। आपके हायर लेवल पे लेके जाना है, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस, फेसलेस सिस्टम बनाना है। यानी हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट करने के लिए टच पॉइंट हम खत्म करना चाहते हैं, कोई भी स्पर्श नहीं हुआ हमारे पास आके आने के लिए जरूरत नहीं। फेसलेस है, कौन कर रहा है ये भी नहीं हो, या इस लेवल तक हम जाना चाहते हैं। या IFMS नेक्स्ट जेन में डेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मशीन लर्निंग होगी उसमें, पैसा कहाँ जा रहा है, किसके खाते में फ्रॉड है, तो फ्रॉड डिटेक्शन के डाउट क्रिएट करेगा, जांच करने के लिए इजी होगा। तीसरा चौथा हमारा बिंदु ये भी है कि इसमें ट्रेनिंग भी हमारी ऑनलाइन, उसको एग्जामिनेशन भी ले ली जाएगी। अब एक वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम है हमारी इसमें पांचवें में बिंदु में IFMS नेक्स्ट जेन में, तो अभी आपको वेंडर को, यानी समझ लीजिए किसी ने कंप्यूटर सप्लाई किया है, तो उसको आके DDO जो होता है, ऑफिस कार्यालय का जो प्रिय होता है, उसके वहाँ आके बिल देने की जरूरत नहीं है। घर बैठ के वहाँ से भी अप्लाई कर सकता है ऑनलाइन। पेमेंट एक महीना पड़ा है, दो महीने पड़े हैं, तो ये नहीं होगा। होगा तो स्टैम्प टाइम हमें ट्रैक करने के लिए मिलेगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।